यहाँ पे बेटू को देख सकते हैं, इसका फोटो शूट सब हो गया, पॉटी शॉटी कर दिया और इसके बाद चेंज कर लिया कपड़ा, अभी ये जा रहा है बाबा के पास, बाय बाय बोल दो सबको। और अभी यहाँ पर ये खड़ा है इसीलिए चुप है, वैसे इसको गोदी लेंगे और बैठाएंगे रोने लगेगा। बिल्कुल, इसको खड़ा रहने में बड़ा मजा आता है। और यहाँ जो बलून है पूरा किचन का भी यात्रा कर लिया है, देख सकते हैं वहाँ भी कुछ बलून है, कुछ इधर भी है, तो अच्छा खासा यात्रा कर रहा है बलून अपना। तो यहाँ पर क्रियांश को देख सकते हैं मजे में है, बलून सबके पास में यह, और यह जो बलून है इतना सारा जो है बहुत ही झटपट हो गया, लगता है कुछ ही मिनटों में वह इस मशीन की बदौलत हो गया है। तो मोनू का जो है पहला एक्सपीरियंस है मशीन से। हाँ, कुछ डेमो जो है लोगों को भी दिखा दो कि कैसे इस्तेमाल होता है। तो यह है जी मशीन, और यहाँ पर जो है प्लग लगा दिया गया है, यहाँ पर कनेक्शन है इसका, और उसके बाद यहाँ देखिए ऑन कर दिया गया है, देखिए देख रहे हैं क्या फटाफट सुनता है, ओए ओए एक तो जंप कर गया सामने। एक्सपीरियंस है ना यूज करने का, इसलिए ऐसा होता है। कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा एक्सपीरियंस। देखिए नुगलू आप, और ये देखिए बदमाश को, ये आज जो है तबाही मचा करके रखा हुआ है, किसी को एक काम नहीं करता। हाँ, तो आज है जन्माष्टमी, कृष्ण भगवान भी लीला दिखाते थे, ये उससे जो इंस्पायर हो गया है। शैतानी करना है इसको, बदमाशी करना है। हाँ, ये नया नया सीखा है मुंह बजाना। तो यहाँ पर जी सारा बलून जो है सभी में हवा जो है भर चुका है, और सारा बलून जो है फूल चुका है, और यहाँ पर देख सकते हैं बलून ने सीखा है एक नया। घूम नहीं रहा है, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, आज एक्सपेरिमेंट कर लो। मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है खंभा बनाने की तैयारी चल रही है, और जिया भी बलून लेकर के है कि उधर जैसे ही बलून लगता जाएगा ट्रांसफर करती जाएगी। और बाहर हो रही है जी बारिश, तो देख सकते हैं कितना सुहाना मौसम हो चुका है उधर। ओ भाई साहब मजा आ रहा है। तो जी यहाँ पर डेकोरेशन हो गया है पूरा, और यहाँ पर पूजा की भी हो गई है सारी तैयारी, तो आप देख सकते हैं। एक बार ऐसा करते हैं कि आपको पूरा डेकोरेशन दिखा देते हैं पूरा डिटेल से। ये लाइट जला दे। तो लाइट तो वहाँ जल गया जी, अभी आपको लाइट का जो है अच्छे से पता नहीं चल रहा होगा, वैसे अंधेरे में यह काफी अच्छा लगेगा क्योंकि पीछे से रिंग लाइट अभी जल रहा है और अच्छा खासा लाइट है यहाँ पर। तो आपको दिखा देते हैं पूरा डेकोरेशन एक बार, तो यहाँ से देख सकते हैं। लड्डू गोपाल को जी नहला दिया गया है, अब उसके बाद इनको जो है इनका पोशाक पहनाया जा रहा है। तो लड्डू गोपाल जी को कर दिया गया है जी तैयार, अब उनको जो है झूले पर बैठाया जा रहा है। लड्डू गोपाल जी जो है झूले पर विराजमान हो चुके हैं, इनको झुलाया कब जाएगा? लाएगा रात के 12 बजे के करीब। वैसे तो आपका मन है जब झुला सकते हैं, लेकिन रात के 12 बजे झुला जाता है जब इनका जन्म होता है। अच्छा, एक छोटा सा गुलाब खिला हुआ था वहाँ पे, बस तो गुलाब तोड़ के लाए। हर बार हम चढ़ाते थे लड्डू गोपाल पे गुलाब, बोलती बाहर से ही ले आते हम गुलाब, ये अपना लगाया गुलाब। वैसे गुलाब तो हम लोग के यहाँ पे अच्छा खासा होता था, लेकिन आज बस वो एक छोटा सा खिला था। अच्छा,
नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर बाबू जो है उठ चुका है, उसकी माँ भी उठ चुकी है। माँ तो उठना नहीं चाह रही थी लेकिन बाबू उठा दिया है इसको। पूरी रात उठी हुई है तो ठीक है। तो पूरी रात जो है बाबू बदमाशी किया है। हाँ, शैतानी कर रहा है। तुम शैतानी कर रहे हैं। पापा तो दूसरे रूम में जाके सो जाते हैं, सुबह सुबह उठ के आ जाते हैं अपना नींद पूरा। फिर सुबह हम कौन संभालता है? फिर रात और सुबह का नींद का फर्क होता है कि नहीं होता है? रात में तो हम भी रहते हैं। पहले खा लीजिए तब बोलिएगा। फाइनली जी जन्माष्टमी का जो है पूजा हुआ खत्म, और उसके बाद जो है बारी है प्रसाद की। तो लड्डू गोपाल का बर्थडे था, तो लड्डू गोपाल के बर्थडे के अवसर पर यह देख सकते हैं हमें मिला हुआ है कुछ खाने के लिए, तो नीचे जा करके दे आते हैं। ये लो लड्डू गोपाल के बर्थडे के अवसर पर। अच्छा, उससे पहले बबुआ भी प्रसाद ही दिया था पहले। अच्छा अच्छा। तो अभी बज रहे हैं जी सुबह के 10:30, और यहाँ पर जो है सारी पूजा हो चुकी है। जन्माष्टमी का जो भी था प्रसाद हमने सब कुछ खा लिया। अब इसके बाद हमको निकलना है जी पूर्णिया। हाँ जी, पूर्णिया निकल रहे हैं। वहीं पर जो महिंद्रा का शोरूम है और वहीं पर जो है उसका सर्विस सेंटर भी है, तो वहां जा करके जो है अपनी गाड़ी को लेना है। अपनी गाड़ी को जो है डाला था क्लेम में, कुछ वहां पर आ गया था दिक्कत गाड़ी में। पता नहीं आपको बताया था कि नहीं, अगर नहीं बताया था तो आपको बता देते हैं जी। हुआ ये था कि जिया के गांव में जब हम गाड़ी लेकर के निकल रहे थे, एक जो ट्रॉली वाला गाड़ी होता है दिल्ली में उसको बोला जाता है जी छोटा हाथी, तो छोटा हाथी जो है वो जा रहा था और उस भाई साहब ने जो है कोने से जो है टक्कर लगा दिया। तो मेरा जो आगे का हेडलाइट था वह आगे निकल गया, एकदम थोड़ा अच्छा खासा डैमेज आया। लगभग 45-50 हज़ार रुपये के खर्चा आया है, लेकिन गाड़ी क्योंकि इंश्योरेंस में थी तो मुझे कुछ भी खर्च नहीं देना पड़ रहा है, सिर्फ 1,000 रुपया तो प्रोसेसिंग फी होता है वही लग रहा है। तो आप ऐसा करते हैं जल्दी से नहाते हैं और फिर चलना है मुझे गोलू के यहाँ। गोलू को भी साथ में लेना है और चलेंगे। हेलो, बोल दो हेलो। हेलो। फिलहाल ये जो है कुछ अपनी ही धुन में है ना। दिन दिन बदमाश होते जा रहा है। कोई बात नहीं, जितना बदमाशी करेगा उतना अच्छा होगा। और पापा आप तो सो जाते हो, मामा को झेलती है। कोई बात नहीं, मामा झेलती है हमको। और आप हमेशा कहते हो बदमाशो। चलो बाबू अब चलते हैं ना। सब ठीक है, लेकिन रात में जो बदमाशी करता है वो गलत बात है। नींद के समय दिक्कत हो जाती है, दिन में तो अच्छा लगता है बदमाशी। चलो दिन में करो, दिन भर तुम करो, कोई बात नहीं। तो नहा करके हम हो गए जी तैयार और बारी है निकलने की, तो सीधा निकलते हैं। ओटीपी है 658751। पहुंच गए अपने साले साहब के यहाँ, और यहाँ से अब हम लोग चलते हैं जा करके गाड़ी लाते हैं। और मौसम भी जो है थोड़ा सा खराब है, इससे पहले कि बारिश में फंस जाए हम लोग, अच्छा होगा कि निकल जाए। और तुमको मिल गया अपना गिफ्ट? मिल गया प्रसाद, मिल गया इसको। बोलू खुश है प्रसाद में, हमको पहली बार चॉकलेट मिला है। सुबह से ही खोज रहा था कब आएगा ये। हमको चिढ़ा रहा था नहीं आएगा। चलो आ गया। तो गोलू भी मांग रहा था मोलू, लेकिन दे नहीं रहा। मिला, मिल गया। लेकिन गोलू को नहीं देगा इसमें, चिढ़ा रहा है, कहे देगा। ठीक है। तो बाहर का मौसम कुछ ऐसा है जी, तो बादल से जो है पूरा एकदम घिरा हुआ है। उम्मीद करते हैं बस जल्दी मिल जाए, क्योंकि यहाँ से हमें बस से जाना है।